हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेणुधर और आपका मेरे चैनल सॉफ्टवेयर मेड इन इंडिया में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2 फीट का पांडा। सिटिंग पांडा है ये, 2 फीट का है ये, आपके लिए लाई हूँ। इसका जो पैटर्न है वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा, www.renuscreativehub.com। तो आप भी मेरी वीडियोज़ को देख कर बना सकते हैं और मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा, क्यूट सा पांडा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मटेरियल में सबसे पहले कटिंग पैटर्न जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com, फ्री है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकाल के कटिंग कीजिए और यूज़ कीजिए। फैब्रिक में मैं शॉर्ट फर से बना रही हूँ, वाइट और ब्लैक चाहिए। वाइट मेरे को 30 सेंटीमीटर के करीब, ब्लैक मेरे को 20 सेंटीमीटर के करीब, 20 सेंटीमीटर, और ये वाइट फेल्ट है, ये मेरे को 12 सेंटीमीटर के करीब। मार्क करने के लिए पेन पेंसिल या टेलर चौक जो भी आपके पास हो, कट करने के लिए सीजर और इस तरह की टेडी की आइज़ और इनके वॉशर्स ये चाहिए, और इसके अलावा पॉलीफाइबर फाइबर वूल चाहिए फिल करने के लिए कोई 500 ग्राम के करीब, और इस तरह माउथ बनाने के लिए ब्लैक जो है एम्ब्रॉयडरी वाला धागा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मार्किंग करने सबसे पहले तो आपको कपड़े को उल्टा बिछाना पड़ेगा। अब उल्टा बिछाने के लिए इसमें फ़र है तो आपको इसकी डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। तो डायरेक्शन है वो आपको अपनी तरफ रखनी है, जहाँ पर आप बैठे हैं डायरेक्शन, देखिए इस तरह से पता चल जाता है, नीचे से कटिंग से भी पता चल जाता है इसकी डायरेक्शन। तो आपको इस तरफ रखना है ये, जो डायरेक्शन नीचे आपकी तरफ रहे। और इसी तरह से आपने कोई भी पीस लेना है तो उसमें इस तरह का एरो बना होगा, एरो का मतलब है फर की डायरेक्शन। तो आपको उसी के हिसाब से रखना है ये, जैसे एरो नीचे की तरफ है तो फर की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। तो इसी तरह से आप कोई भी पीस रख लीजिए और इस तरह से, और उसके बाद में इसको मार्क शुरू कर दीजिए। अब जैसे इसमें 2 पीसेस काटने हैं साइड फेसेस का, तो एक पीस इस तरह से रख के काटेंगे तो एक पीस आपको इस तरह से पलट के यहाँ पर मार्क करना है। और सबसे पहले तो आप एक काम करना कटिंग में, कि वाइट और जो वाइट में काटने हैं और जो ब्लैक में काटने हैं उनको आप पहले अलग अलग कर लीजिए। जो वाइट में काटने हैं उनको अलग रख लीजिए और जो ब्लैक में काटने हैं उनको अलग रख लीजिए। तो चलिए अब इनका निशान बनाते हैं। अब देखिए, मार्किंग कर ली है मैंने सारे पीसेस की, अब इसको कटिंग करेंगे। कट करने के लिए इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो जो ये फर है इसको आपने सीज़र से ऐसे करके नहीं काटना है, इसको आपने खाली ये ऊपर का जो इसका ये अस्तर वाला कपड़ा है ये काटना है, फर नहीं काटना है। तो आपको कैंची की नोक से काटना पड़ेगा, देखिए इस तरह से। नहीं तो अगर आपके पास कटर है आप उससे काट सकते हैं, उससे भी, कटर से भी ये जो इसके फर के बाल हैं वो नहीं कटते हैं। तो आपको इस तरह से ये नोक से आपको सिर्फ ऊपर का कपड़ा काटना है, आपको ये फर नहीं काटना है। अगर आप इस तरह से करके काटेंगे तो ये सारे फर कट के और नीचे आपके गिर जाएंगे। तो इसीलिए इस फर को हमेशा कट करने के लिए आपने इस तरह से कैंची की नोक का, या फिर बारीक छोटी कैंची हो जिसमें ये पॉइंटेड नोक हो, वो उससे भी आप इस तरह से कट कर सकते हैं। तो अब आप सारे पीसेस की कटिंग कर लीजिए, फिर इसको ज्वाइन करना शुरू करेंगे। देखिए, अब कटिंग कर दी है सारे पीसेस की, अब चलिए इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ईयर्स पे आते हैं। ये 4 पीसेस काटने थे, ये ब्लैक में काटे हैं, 2 इस तरह से और 2 इस तरह से रख के। तो इनको आपस में रख के आप इस तरह से सिलाई लगा दीजिए, ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ दीजिए। तो इनको 2 पीसेस को इसके इस तरह से लीजिए, सीधा सीधा पीस आपस में रख के, तो इसको इस तरह से आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, अब इसको ईयर्स को सिल के इसको सीधा कर दीजिए, और सीधा करने के बाद में इसमें बहुत थोड़ा सा फाइबर डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा डालना है ऐसे ही इसके लिए, कि थोड़ा सा ये उभार सा लगे, इसमें थोड़ा सा फाइबर डाल के इसको यहाँ पर सिल दीजिए, आप बंद कर दीजिए। देखिए, इसको नीचे से बंद कर दिया है, अब इसको साइड पे रखिए। अब ये देखिए, इसका साइड फेस है, ये साइड फेस में आपने अब इसको आई का पैच लगाना है, जो ये ए से लेकर बी तक है, इस राउंड में आपने ये आई पैच लगाना है। ये देखिए, ये आई का पैच है, ये ब्लैक में काटा है 2 पीसेस, ये ए से लेकर बी आपने इसको यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, देखिए ए से लेकर बी में। तो दोनों पोर्शन में आपने करना है, तो इस तरह से ये रखिए, एक लीजिए पीस और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी तरह से दोनों फेसेस में आप कर लीजिए। देखिए, अब ये ज्वाइन कर दिया हमने, ये देखिए
ये दोनों फेसेस में ये आई पैड ज्वाइन कर दिए है। अब इसमें आपने सेंटर में देखिए, ये इसमें यहाँ ज्वाइन हो गया, ये इस तरह से ए से बी। अब इसमें आपने ये फोरहेड ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ लिख रखा है सी से डी, तो यहाँ सी है और यहाँ डी है, तो यहाँ पर ये इस तरह से आप फोरहेड इसका ज्वाइन होएगा पूरे में सेंटर पार्ट में। तो इसी तरह से ये जो फोरहेड है, अब इसको आपने लेना है और इसमें इस तरह से ज्वाइन करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज्वाइन हो जाएगा और इसी तरह से यहाँ से ये वाला पोर्शन ज्वाइन हो जाएगा। देखिए अब ये ज्वाइन कर दिया है फोरहेड। अब आपने क्या करना है, ये जो ईयर्स है इसको आपने यहाँ पर ज्वाइन करना है इसके साथ में। तो जो ये फोरहेड का है इसकी लाइन से लेकर यहाँ तक आपने ज्वाइन करना है। तो इसको इस तरह से सीधा रखिए और इनको इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा दीजिए, और इसको इस तरह से रखिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। इसको करने के बाद में ये इसका बैक हेड है, तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो इन दोनों पीसेस को, ये दो पीस है, इन दोनों पीसेस को यहाँ पर आप सिलाई लगा के आपस में ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए अब ये बैक हेड भी जोड़ दिया है और इसमें ये ईयर्स भी जोड़ दिए हैं। अब आपने इस वाले हिस्से में ये मज़ल ज्वाइन करना है। तो जो ये मज़ल है इसका देखिए इस तरह से करके आप सेंटर ले लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सेंटर में कट मारा है, इसका भी आप सेंटर ले लीजिए और उसके बाद में इसको इस तरह से देखिए यहाँ से करके पूरा ये इस तरह से राउंड में यहाँ तक ये पूरा आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। देखिए अब ये देखिए मज़ल लगा दी है, अब हम इसमें आईज लगाते हैं। तो आईज के लिए ये देखिए आईज है, तो यहाँ पर इस जगह पे जो इसका ये सेंटर फेस और ये है इसके पास में इस जगह पे हम यहाँ पर सेंटर में दोनों साइड से इसकी आईज लगा दीजिए। आईज लगाने के बाद में इसको इस तरह से रखिए आप सीधा ऐसे, और जो ये बैक वाला हेड है इसको भी इस तरह से रखिए, इसको सीधा रख के, और ये बैक वाला हेड आपने इसको इस तरह से यहाँ पर पूरे में इस ऐसे ज्वाइन कर लेना है ऐसे करके। बैक हेड लग गया है। अब आपने क्या करना है, जो ये मज़ल का हिस्सा था, मज़ल के हिस्से को यहाँ से जो ये कट था यहाँ से लेकर आपने ये मज़ल तक, और ये इस साइड बॉडी का जो स्ट्रेट हिस्सा है यहाँ तक पूरा आपने इसको आपस में इस तरह से स्ट्रेट में यहाँ से पूरा सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब ये मज़ल को ज्वाइन कर दिया। अब जो ये वाला हिस्सा है इसका कट वाला हिस्सा, यहाँ पे आपने ये इसकी नोज़ लगानी है। तो ये मैंने ब्लैक फेल्ट में काटा है, तो आपने इसको इस तरह से रख के और राउंड में इसको इस तरह से पूरे राउंड में इसको सिलाई लगा दीजिए इस तरह से पूरे राउंड में। नोज़ अब लगा दी है, अब देखिए फेस पूरा रेडी है। चलिए अब इसकी बॉडी को ज्वाइन करते हैं, इसको साइड में रखते हैं। देखिए अभी ये सेंटर फ्रंट बॉडी है, फ्रंट बॉडी का लोअर पार्ट है, इसमें आप यहाँ पर अपर पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये इसका अपर पार्ट है, ये ब्लैक में काटा था, ये वन वन पीस ही काटने हैं, सिंगल सिंगल पीस। तो ये मैंने लिख रखा है जी एच जी एच, तो इनको आपस में इस तरह से करके आप पहले ज्वाइन कर लीजिए। देखिए सेंटर में ज्वाइन कर दिया है। अब आपने यहाँ पर हैंड ज्वाइन करना है और यहाँ पर लेग ज्वाइन करना है। तो वो कैसे करना है, देखिए ये जो हैंड है इसको आपने यहाँ पर ज्वाइन करना है। जो ये बड़ा वाला हिस्सा है ये छोटा है, ये बड़ा है, देखिए ये इससे जो छोटा वाला हिस्सा है वो यहाँ रहेगा और बड़ा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से। और इसी तरह से आपने ये लेग यहाँ जोड़ना है, इसको इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। अब इस वाले कट में आपने लेग जोड़ना है, तो लेग में उल्टा होएगा, मतलब छोटा वाला हिस्सा इधर रहेगा और बड़ा वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको यहाँ पर रखिए और इस तरह से राउंड यहाँ पर लेग ज्वाइन कर लीजिए। तो इसको ऐसे रख के सीधा, और इसके ऊपर यहाँ पर ये इस तरह से ये लेग रखिए, यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, और ये हैंड से इसको यहाँ रखिए और इस तरह से ज्वाइन। तो दोनों साइड से आपने इस तरह से जोड़ लेना है। अब देखिए लेग्स और हैंड्स जो है फ्रंट बॉडी में ज्वाइन हो गए हैं। अब हम बैक बॉडी पे आते हैं। तो बैक बॉडी के देखिए दो पीसेज हैं, एक तो ये वाला है,
इसके भी दो पीसेस काटे हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो इसको आपने क्या करना है, जो आपस में दो पीसेस हैं उनको यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ से थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिए। इतना पोर्शन आप ओपन छोड़ दीजिए। यहाँ से हम इसको फिर सीधा करके फिल करेंगे। बहुत थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए इतना सा, और यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए इतना पोर्शन, आप इसको खुला छोड़ दीजिए। तो इसी तरह से ये इसका अपर बैक बॉडी है, ये लोअर बैक बॉडी था, ये अपर बैक बॉडी है। तो इसमें भी आप यहाँ पर ये जो दो पीसेस हमने काटे हैं ये ब्लैक में काटे थे, तो ये दोनों पीसेस को आपस में यहाँ ज्वाइन कर लीजिए इधर, ये आपस में ज्वाइन कर लीजिए इधर, और इसको यहाँ और यहाँ स्टिच कर लीजिए। अब ये भी स्टिच हो गया, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमने स्टिच कर दिया, यहाँ पर ये खुला छोड़ा है, यहाँ से हम इसको ओपन सीधा करेंगे। अब इसको आपने यहाँ से यहाँ आपस में जोड़ना है इसको इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ तक है पोर्शन, ये यहाँ पर लिख रखा है मैंने आई से जे, और यहाँ आई से जे, तो आई से जे आपने इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो इसको इस तरह से आपने ज्वाइन करना है, यहाँ से ये साइड दे रखा है ये देखिए इस तरह से, और ऐसे करके ये पूरा यहाँ पर इस तरह से इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब ये बैक ज्वाइन कर दिया है, अब आपने क्या करना है इसमें ये फ्रंट बॉडी ज्वाइन करना है। तो इसको इस तरह से सीधा रखिए ऐसे, और इसके ऊपर ये फ्रंट बॉडी लीजिए, तो लेग्स के साथ लेग्स और आर्म्स के साथ आर्म्स आपने ज्वाइन करने हैं इस तरह से। तो अब आपने यहाँ से ज्वाइन करना है ऐसे, यहाँ, और फिर इस तरह से ये लेग्स यहाँ ज्वाइन हो जाएंगी। ये वाला पोर्शन आपने छोड़ देना है लेग्स में, क्योंकि यहाँ पर हम फुट पैड लगाएंगे, यहाँ पर नहीं ज्वाइन करना है। आपने यहाँ से ज्वाइन करके यहाँ तक छोड़ देना है, उसके बाद आपने यहाँ से ज्वाइन करना है, और ये जो पोर्शन है इसका फ्रंट बॉडी का, ये आपका इस सेंटर वाली जो आपने यहाँ सेंटर में ये सिलाई लगाई है यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से। ऐसे करके आपने ज्वाइन करना है, और यहाँ से ऐसे करके ये वाला पोर्शन आपने खुला छोड़ना है। तो दोनों साइड से आपने इसी तरह से ज्वाइन करना है। अब इसके जो ये खुले हमने छोड़ा था पोर्शन, इन पोर्शन में हमने ये फुट पैड लगाना है। तो फुट पैड में देखिए ये इस तरह से है फुट पैड, ये वाला पोर्शन ऊपर के साइड लगेगा, ये वाला पोर्शन नीचे के साइड में। तो सेंटर का एक मार्क यहाँ पर लगा दीजिए, और उसके बाद में आप इसको ज्वाइन कीजिए। जैसे देखिए ये कोना वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको इस तरह से रख के, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इधर सेंटर में आएगा, और इस तरह से राउंड में आप इसको दोनों फुट पैड लगा दीजिए। देखिए फुट पैड भी लग गए हैं, और बॉडी भी पूरी रेडी है, और इसका हेड भी रेडी है। अब हेड और बॉडी को आपने आपस में जोड़ना है, लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिएगा, जो इसका ये मज़ल है इसको हम कवर कर देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है इसका जो कॉटन है वो हिलता नहीं है, फिट बैठता है। तो मज़ल की शेप हमेशा, मतलब इसके नोज़ की शेप हमेशा अच्छी रहती है। तो कोई भी कपड़ा हो आपके पास वो लीजिए आप, और इसको इस तरह से राउंड में आप लगा दीजिए। थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देना कहीं पर, किसी भी जगह थोड़ा सा पोर्शन इतना सा छोड़ देना जहाँ से हम इसको फिल करेंगे, बाकी इसको पैक कर दीजिए। इसको लगाने के बाद में आपने ये इसका सेंटर जो है, ये वाला सेंटर जहाँ पर नीचे का फेस हमने ज्वाइन किया था और बॉडी का जो सेंटर है वो लीजिए, और इसको इस तरह से करके आप पूरे राउंड में इस तरह से, ये देखिए ये पूरा राउंड में आएगा, इस तरह से करके आप पूरी बॉडी इस तरह से हेड के साथ में पूरे राउंड में इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ दीजिए, ये ऐसे करके पूरा इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब इसको नेक हमने पूरा ज्वाइन कर लिया है। अब सबसे पहले सीधा करने से पहले हम इसका जो ये मज़ल है इसको फिल करेंगे, सबसे पहले ये काम करेंगे, उसके बाद हम इसको सीधा करके फिर हम इसको फिल करेंगे। देखिए अब फिल करके इसको बंद कर दिया है, अब इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग करते हैं।
देखिए आपने क्या करना है, नीचे यहाँ से थोड़ा सा डालिए आईज़ के पास में, सुई और साथ में ही वापस ले लीजिए। थोड़ा इस तरह से खींच दीजिएगा हल्का सा, और खींचने के बाद में यहाँ से दूसरे वाले आईज में, और फिर साथ में ही नीचे, देखिए यहाँ पर खींच के थोड़ा सा इसको आप बंद कर दीजिए और इसको सुई को कहीं और से निकालिए। अब इसका थोड़ा सा माउथ बनाना रहता है, ब्लैक थ्रेड डालेंगे एम्ब्रॉयडरी वाला और इसका माउथ बनाएंगे। अब इसका थोड़ा माउथ बना देते हैं। अब ब्लैक थ्रेड डाला है, ये मैंने देखिए डबल डाला है, जो एम्ब्रॉयडरी वाला धागा होता है ना उसको दो, जो एक लाइन होती है उसको डबल करके डाला है मैंने। तो इसको यहाँ से लेंगे हम, जहाँ से हमने ये शुरू किया है, देखिए इस तरह से, ये बंद हो गया। अब यहाँ से ही थोड़ा सा ये जो सेंटर की लाइन हमने बनाई है इधर निकाल लेती हूँ, देखिए इस तरह से। अब देखिए इधर से निकाला, और ये जो इसका सेंटर का है यहाँ से मैं वापस नीचे ले आती हूँ इसी जगह पे जहाँ से मैंने ये निकाला है। अब आपने ये जो बनाया था यहाँ आईज के सीध में, यहाँ पर इस जगह से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट यहाँ निकाल लेती हूँ। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये आईज के इधर निकाला है तो इस भी कम से कम इधर, ये चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको पहले एक बार निकाल लेते हैं, ये देखिए इसका माउथ बन गया है इस तरह से, थोड़ा सा खींच दीजिए और यहाँ पर इसको धागे को बंद करके धागे को पीछे से निकाल लीजिए या कहीं और से निकाल लीजिए। तो देखिए फाइनली हमारा 2 फीट का पांडा है, ये 2 फीट का पांडा बनके बिल्कुल रेडी है। कैसा लगा आपको? तो अब आप भी बनाइए मेरी वीडियोस को देखकर, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा औरों के साथ। थैंक यू।